आज का टॉपिक रहेगा हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम लोग करते हैं, बोले डेटा बना लेता हूँ, डेट नेम सिटी सेल्स टारगेट, ठीक है, ये डेट के लिए हो गया मेरा, तो अब इसमें हम क्या करते हैं, देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपके पास यहाँ पे है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पहले जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग चलती थी अपने पास, उसमें आपका ये वाला पैनल आता था, न्यू रूल वाला। ठीक है जी, इसके बेस पे आप सारा काम करते थे। फिर इन्होंने क्या किया, जो आप ऑप्शन फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं उनके लिए इजी ऑप्शन बना दिए, हाईलाइट सेल रूल में बना दिए, टॉप बॉटम रूल के, डेटा बार्स के, कलर स्केल, आइकॉन सेट, इस तरीके से इन्होंने ऑप्शन बना दिए। और फिर मैनेज रूल का सेक्शन होता है रूल्स को मैनेज करने के लिए। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग वो होती है जो किसी भी कंडीशन के बेस पे जो हम फॉर्मेटिंग करते हैं वो आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गई। ठीक है जी, कंडीशन आपकी कोई भी हो सकती है। अब जैसे मुझे करना है, जैसे सेल्स करना है, मुझे इसको इसमें हाईलाइट करना है कि जो वैल्यू मेरी ग्रेटर देन है 50 से, वो हाईलाइट हो जाए। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। किससे हाईलाइट हो जाए, यहाँ आपको पास ऑप्शन है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपके पास फॉर्मेटिंग है। और कस्टम फॉर्मेट अगर आप चूज़ करते हो तो आपके पास ये बॉक्स आ जाता है जिसके अंदर आप चूज़ कर सकते हो। आप इसकी नंबर फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो कंडीशन के बेस पे। हाँ तो एक मिनट, राहुल को मैंने म्यूट किया है, ज़्यादा डिस्टरबेंस आ रही है। ठीक है, तो राहुल अपने आप को अनम्यूट, अपने आप को म्यूट कर लो इधर से, ताकि पीछे की डिस्टरबेंस ना आए। आपके पास ग्रीन माइक सा दिख रहा होगा, वहाँ से म्यूट कर लो। ठीक है, मैं यहाँ से अनम्यूट कर रहा हूँ, और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं बाद में। तो राहुल म्यूट, जब माइक दिख रहा है। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था कस्टम फॉर्मेट आप यहां से चूज कर सकते हो, और इसमें से आपकी नंबर फॉर्मेटिंग आप लगा सकते हो, फॉन्ट चेंज कर सकते हो, बोल्ड इटैलिक कर सकते हो, बॉर्डर हटा लगा सकते हो, और या फिर कलर दे सकते हो। जैसे मैं येलो करना चाहता हूँ कंडीशन पे और बोल्ड करना चाहता हूँ, तो मैं मेरी जो है वो नंबर फॉर्मेटिंग जो चूज़ की थी वो भी आ गई। इस तरीके से मैं सेटिंग यहाँ से कस्टम फॉर्मेट बना सकता हूँ। ठीक है जी, अब आपका ये लग गया है। आपको पहले सिलेक्ट करना होता है, उसी सेल को सिलेक्ट करें जिसमें वो लगाना होता है। उसके बाद जैसे अगर मुझे इसको हटाना है तो मैनेज रूल में जा सकता हूँ मैं, यहाँ पे मेरे पास आपका रूल आ गया है। इसको मैं चाहूँ तो एडिट कर सकता हूँ यहाँ से। इसमें यह बताता है कि सेल वैल्यू पे क्या रूल लगा हुआ है, फॉर्मेट कौन सा है, और किस रेंज पे अप्लाई हो रहा है। इस पे आप एडिट रूल कर सकते हो यहाँ से जाके, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो वैल्यूज़ को, या फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, या इसको आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। डिलीट वगैरह जो भी करने के बाद आपको अप्लाई का बटन दबाना होता है।
तब होता है, ठीक है जी। और बाकी डिलीट करने के लिए आपके पास यहाँ पे भी ऑप्शन है, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, अगर आपने सिलेक्ट की है तो उसमें से उड़ाएगा, अदरवाइज एंटायर शीट से, मतलब पूरी शीट में सारे रूल उड़ा देगा। तो जैसे हम देख रहे थे ग्रेटर देन, ठीक है जी। अब जैसे मुझे हाईलाइट करना है कि उन सेल को हाईलाइट करना है जो जो किसी रेंज से लेना है मैंने, तो मैं यहाँ से क्लिक करूँगा इसको, जैसे मान लो इसी रेंज से लेना है तो ये रेंज दे सकता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ओके करूँगा तो ये क्या होगा, अभी 30 से बड़े वाली वैल्यूज़ जितनी है वो सारी हाईलाइट हो रही है, पर एक्चुअली मैं ऐसा करना चाहता हूँ रेफरेंस में कि अपने सामने वाली सेल में जो वैल्यू है उसकी, उससे बड़ी वैल्यू खाली हाईलाइट होनी चाहिए। मतलब सबके आगे टारगेट है, जिसकी वैल्यू जो अगर सेल्स की वैल्यू टारगेट से बड़ी है तभी हाईलाइट होनी चाहिए। तो यहाँ पे कैसे देंगे इसको हम अभी देखिए यहाँ पे लिखा है डॉलर ई डॉलर टू, ये है क्या? ये एक तरह का फार्मूला होता है, हर एक इसके पीछे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के पीछे एक फार्मूला रन करता है। अभी क्या फार्मूला चल रहा है कि अगर तुम्हारी डी टू ग्रेटर देन है इससे, और ई टू आपका कैसा आ रहा था, डॉलर लगा हुआ, ठीक है। तो जब आप इस फार्मूला को ड्रैग करते हो, जब भी आप ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन यूज़ करते हो यहाँ बीच में रेफरेंसेस के, तो इसका रिजल्ट ट्रू फॉल्स में आता है आपका, ठीक है। तो अभी क्या है, जब हम नीचे बढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं कि ई टू तो वही है, बाकी ये वैल्यू बढ़ी जा रही है, तो यहाँ जहाँ ट्रू दे रहा है ये फार्मूला वही आपको हाईलाइटेड दिख रहा है, ठीक है। तो अगर इस फार्मूला को मैं यहाँ से टू इसके आगे से हटा दूँ डॉलर, जैसे हम फ्रीजिंग करते हैं तो डॉलर टू के आगे से हटा दूँ, टू क्या है इसमें रो है, तो जब मैं रो के आगे से हटाता हूँ डॉलर को तो रो क्या हो जाएगा, बढ़ने लग जाएगी। मतलब इस रेफरेंस में ये आ गया, इस रेफरेंस में ये आ गया, तो यही चीज़ हमने वहाँ करनी है। मैं पहले इसका रूल डिलीट कर देता हूँ और फिर से लगाता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग ग्रेटर देन, और यहाँ मैंने सिलेक्ट किया था इसको, बस इसका मुझे डॉलर हटाना है यहाँ से। तो अब आप देखोगे कि जिसके जो जिसमें ये अपने टारगेट से बड़ा है वही सेल हाईलाइट हो जाएगा, मतलब कि इस रूल के अकॉर्डिंग जहाँ ट्रू है वहाँ आपका कलर कर देगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम रेफरेंसेस में लगा सकते हैं, ठीक है। क्लियर कर देता हूँ इसको यहाँ से, क्लियर रूल, ठीक है। तो आपका ग्रेटर देन आपको पता पड़ गया कि बड़े को देखने के लिए, लेस देन छोटे के लिए कि आपका इससे छोटी वैल्यूज है। रेफरेंसेस आप यहाँ पे भी दे सकते हैं, इसी तरह से आपके पास है इसमें बिटवीन, जैसे दो रेंज के बीच में कोई 30 से 70 है, या अलग अलग सेल से भी चूज कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद इक्वल टू, इक्वल टू आपका टेक्स्ट नंबर सब में चूज हो सकता है, जैसे कि आपने इसमें करना है कि इसमें हाईलाइट हो जाए, रवि वाली आप डायरेक्ट देके हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जैसे अब इसका यूज कैसे करते हैं कि हमें मान लीजिए कि एक फॉर्मेट है, अब यहाँ पे मेरी एंट्री होगी, मान लीजिए लीव की एंट्री होगी, ठीक है। तो प्रेजेंट के लिए मैं करूँगा पी और उसका मैं कलर कर दूंगा ये वाला लीव के लिए करूँगा रेड, ठीक है। हॉलीडे के लिए करूँगा ऑरेंज, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये कलर कॉम्बिनेशन जब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ, पी डालूँ, एल डालूँ, एच डालूँ, तो ये कलर कॉम्बिनेशन अपने आप आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए रूल कैसे अप्लाई करेंगे हम लोग, पूरे को सिलेक्ट किया, न्यू रूल इक्वल टू में आ जाओ, अगर वैल्यू पी है तो कौन सा कलर चूज करना है, ग्रीन, ठीक है। एक रूल अप्लाई होगा, फिर दोबारा एक रूल अप्लाई करना है, एल है,
तो इसका कलर जो है रेड हो जाए, और एच है तो इसका ऑरेंज हो जाए। ठीक है, तो इन पे ये रूल अप्लाई हो गया। अब आप जो भी एंटर करें इसमें वो अपना कलर ले लेगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे टेक्स्ट नंबर सब को जो मर्जी मैनेज रूल में देखोगे तो यहाँ तीन रूल लगे हुए हैं आपके। ठीक है, तो इस तरीके से आप लगा सकते हो। अब हटाने हैं तो हटा दो। ठीक है जी, तो इक्वल टू का आपको समझ में आ गया कैसे लगाने हैं रूल, कैसे लगाने हैं एक के ऊपर एक। टेक्स्ट दैट कंटेन्स होता है कि जैसे मुझे उसमें, जैसे हमने फिल्टर में किया था ना कंटेन वाला, कि मैंने कहा डबल यू जहाँ वो हाईलाइट हो जाए, या जहाँ पे के है वो हाईलाइट हो जाए, टी है जो वो हाईलाइट हो जाए, तो इस तरीके से कंटेन्स जो इसके अंदर है वो डाल सकते हैं। उसके बाद है डेट अकरिंग, ये डेट के लिए है। अब इसमें ये डेट अकरिंग में देखेंगे तो आपके डेट के ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। जैसे यस्टरडे की अगर होगी तो हाईलाइट हो जाएगी, टुडे की होगी तो हाईलाइट हो जाएगी, टुमारो कल की होगी हाईलाइट हो जाएगी, इन द लास्ट 7 डेज में कोई होगी, लास्ट वीक में कोई होगी, दिस वीक में कोई होगी, तो लास्ट मंथ, दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ, ये ऑप्शन आपके पास है तो वो हाईलाइट हो जाएंगे। उसके बाद है जिसमें डुप्लीकेट वैल्यूज, मतलब डुप्लीकेट जितनी होगी वो हाईलाइट हो जाएंगी, यूनिक होंगी वो हाईलाइट हो जाएंगी। हाँ जी, ऐसा है तो नहीं, पर एक चीज कर सकते हैं इसके लिए। देखो, आपको ये पता है कि डेट जो है वो एक नंबर होता है ना, जैसे कि ये डेट है, ठीक है, आज की डेट डाल ली मैंने, इसका नंबर चेक कर लो। ठीक है, ये नंबर डाल दो जाके यहाँ ग्रेटर देन वाले में कि आज से बड़ी अगर डेट है जो, तो वो हाईलाइट हो जाएगी। वैसे डेट भी डाल सकते हैं इसमें, तो डेट भी चलता है, ये नंबर भी वैसे भी नॉर्मली भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन के आपके ऑप्शन ऑलरेडी है आपके पास, ये नंबर और डेट दोनों में चलते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका टॉप एंड बॉटम रूल्स। जैसे फिल्टर एंड सॉर्टिंग में टॉप एंड बॉटम थे, वैसे ही इसमें भी हैं। तो इसमें क्या करेगा, ये आपके हाईलाइट करेगा टॉप 10 आइटम्स। ठीक है, तो हाईएस्ट वाले 10 कर दिए। ठीक है, तो ये आपको पता ही है इसमें टॉप 10% क्या होगा, परसेंट ऑफ रिकॉर्ड होता है। ठीक है जी, अबव एवरेज, एवरेज से अबव वाले हाईलाइट कर देगा, बिलो एवरेज, एवरेज से बिलो वाले हाईलाइट कर देगा। उसके बाद है आपका डेटा बार्स। तो डेटा बार्स आपके कैसे होता है, जैसे आपकी बार चार्ट होता है ना, उस तरीके से होता है, विजिबिलिटी के लिए होता है बस। ये मैक्सिमम मिनिमम अपने आप उठाएगा और एक बार में ग्राफिक डेटा रिप्रेजेंट कर देगा। इसका फायदा इसलिए होता है कि जैसे कई बार हमें 2 डिजिट के नंबर है, तो हमें कई बार क्या होता है कि 2 डिजिट के नंबर है तो हम पता लगा लेते हैं कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, पर ज़्यादा डिजिट में ये चीज़ दिक्कत होती है। ठीक है ना, तो ये आपका एक विजिबिलिटी देता है, एक लुक देता है, जिससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका है कलर स्केल। कलर स्केल जैसे पहला वाला कलर स्केल है, ये है आपका ग्रीन, येलो, रेड कलर स्केल। तो ये हाईएस्ट में ग्रीन होगा और फिर एक नीचे कलर की तरफ बढ़ेगा।
ठीक है, तो एक स्केल बनाता है, ठीक है जी। कलर स्केल आप कर सकते हैं, उसके बाद है आपके आइकन सेट। तो आइकन सेट जैसे मैंने दिखाए थे, आइकन सेट आप डेटा को कैटेगराइज करने के लिए लगा सकते हैं। तीन वाला लगा दीजिए, चार वाला लगा दीजिए, जितने भी आइकन लगाएंगे इनको एडिट कैसे कर सकते हैं, जाके मैनेज रूल में एडिट करके आप देखेंगे तो इसके ऑप्शन खुल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या आ रहा है कि व्हेन वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 67% है, 67% ऑफ व्हाट, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। उसकी अगर 67% से ग्रेटर है या इक्वल है तो यहाँ गुड का साइन आएगा। 67 से 33 में है, एक्सक्लेमेशन का आएगा, और बिलो 33 है तो क्रॉस का आएगा, ठीक है। अगर अगर आपको परसेंटेज में कन्फ्यूजन है, डायरेक्ट नंबर देने हैं तो यहाँ से नंबर आप दे सकते हैं कि यार 70 से ऊपर की वैल्यू ऐसे होनी चाहिए और 70 से 50 के बीच की एवरेज होनी चाहिए और 50 से नीचे की क्रॉस होनी चाहिए। तो आप ओके कर सकते, अप्लाई कर सकते, ठीक है, डेटा उस हिसाब से कैटेगराइज हो जाए। तो ऐसा ही आप सारे ऑप्शंस के साथ कर सकते हो। अब जैसे देखते हैं, इसके बाद आता है आपका न्यू रूल। न्यू रूल में देखेंगे तो इसमें वही वाले ऑप्शन है जैसे कलर स्केल देख रहे थे, वो टू कलर स्केल, वो थ्री कलर स्केल था, ये टू कलर स्केल है। तो इसमें लोएस्ट हाईएस्ट वैल्यू अपने आप पिक कर लेता है और कलर किसका क्या है यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। थ्री कलर स्केल में मिड पॉइंट भी अपने आप पकड़ लेता है, ठीक है। तो लोएस्ट के लिए ये कलर आएगा, मिड के लिए ये, हाईएस्ट के लिए, इस तरह से स्केल चलेगा। डेटा बार्स की सेटिंग है यहाँ पे, आपके पास एक ऐसा भी है मिनिमम मैक्सिमम अपने आप पकड़ लेता है, ठीक है। कंटेक्स्ट है कि बार की डायरेक्शन कहाँ रहेगी, और आप खाली बार दिखाना चाहते हो तो यहाँ शो बार ओनली का ऑप्शन है। तो इसमें क्या होगा, डाटा नहीं दिखाएगा, बार दिखाएगा, ठीक है। और बार की जो डायरेक्शन है उसको आप यहाँ कॉन्टेक्स्ट से चेंज कर सकते हो, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। उसके बाद इसमें है आपका आइकन सेट। तो आइकन सेट आप यहाँ से भी लगा सकते हो, कौन सा आइकन चूज़ करना है आप चूज़ कर सकते हो अपने आप। अब जैसे तीन चाहिए आपको या चार चाहिए, पांच चाहिए, तो आप जितने भी लोगे उतनी आपकी ये कंडीशंस आ जाएंगे, ठीक है। खाली आइकॉन दिखाने हैं तो आइकॉन दिखा सकते हैं, खाली रिवर्स आइकॉन ऑर्डर, मतलब ये आपका आइकॉन का ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर वाला, ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आइकॉन सेट को यूज़ कर सकते हैं हम लोग। फिर उसके बाद उसमें जैसे हमने देखा था हाईलाइट सेल रूल में ग्रेटर देन का ऑप्शन था, पर ग्रेटर देन इक्वल टू का नहीं था, तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ मिलते हैं। सेल वैल्यू आया, बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, सारे ऑप्शन ही आए, ठीक है। इसी तरह स्पेसिफिक टेक्स्ट, तो खाली कंटेंट्स का ऑप्शन था, इसमें कंटेनिंग, नॉट कंटेनिंग, बिगनिंग विद, एंडिंग विद का भी है, ठीक है। उसके बाद डेट अकरिंग डेट के ऑप्शन है, इसमें क्या होता है कि फॉर्मेट यहीं से ही सेट होते हैं। ब्लैंक्स जहाँ डेटा नहीं है उनको हाईलाइट करना है तो, नो ब्लैंक्स जहाँ, मतलब नो ब्लैंक्स मतलब जो ब्लैंक नहीं है उनको हाईलाइट करना है। एरर, तो जो आपकी हैश एन ए रेफरेंस सब ये सब एरर आती हैं जो, उनको अगर हाईलाइट करना है। डिव बाय एक्स, हैश एन ए, एरर पता है ना, तो एरर्स जैसे आपकी होती हैं कि अगर आप डिवाइड बाय जीरो कर रहे हो तो ये एरर आ गई, इसी तरह आपकी हैश एन ए की एरर है, कभी वी लुकअप का फार्मूला लगा रहे हो तो इस तरह की एरर, कोई फार्मूला ढंग से टाइप ना करो तो हैश नेम की एरर आती, तो इनको एरर बोलते हैं। अगर इस तरह की एरर है आप उनको हाईलाइट कराना चाहते हैं तो आपके पास वहाँ पे ऑप्शन है एरर का और नो एरर का, ठीक है जी। फॉर्मेट ओनली टॉप एंड बॉटम वैल्यू, टॉप एंड बॉटम, यहाँ पे क्या है 10-20 जितने आइटम कर सकते हैं, परसेंटेज चाहिए तो टॉप 10%, ठीक है। अबव और बिलो एवरेज, तो अबव बिलो इक्वल, अबव इक्वल और बिलो ये ऑप्शन है,
स्टैंडर्ड डेविएशन के ऑप्शन है, उसके बाद डुप्लीकेट और यूनिक का है वही है। और सबसे पावरफुल जो है, यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, जैसे मैंने बताया कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में फॉर्मूला चलता है पीछे, उसी तरह से यहां पे आप फॉर्मूला देंगे और जहां पे ट्रू आएगा वो आपका वैल्यू फॉर्मेट हो जाएगी। ठीक है, हेलो। हाँ जी, एक सेकेंड, इसमें ना थोड़ा सा मेरा तबीयत गड़बड़ हो गई है। एक सेकेंड बस, अभी क्या? हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला लगता है। फॉर्मूला कैसे लगता है, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे ना एक और सेल्स का आइटम डाल देता हूँ, 4-5 सेल्स, 6 सेल्स कर देता हूँ। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, मान लीजिए कि इसका टोटल जो है कितना आ रहा है, 347, 315, 320, 260। तो मैं ये चाह रहा हूं कि 300 से, जिनका टोटल 300 से अबव है उनको हाईलाइट कर दिया जाए, किसको, पूरी रो को। ठीक है, अब ये वैसे तो होगा नहीं, कैसे होगा, इसके लिए हमें एक फार्मूला बनाना पड़ेगा जो कि वहाँ पड़ेगा। अब जैसे सम का फार्मूला लगाते हैं ना हम, नॉर्मल सम का फार्मूला लगाया, ठीक है, तो आया 347। अब मुझे इसे चेक करना है कि ये 300 से बड़ा है कि नहीं, तो ग्रेटर देन का हम यूज़ करेंगे और 300 डाल देंगे, तो अपने पास जो आंसर आएगा वो ट्रू फॉल्स में आएगा। ठीक है, तो हमें ये फार्मूला उधर डालना पड़ता है। ठीक है, और सिलेक्ट किया मैंने और न्यू रूल में गया, यूज फार्मूला में अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो जिस रो के लिए फार्मूला बना रहे हैं वो उसी में होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, अभी इसमें एक दिक्कत आएगी जो मैं करना चाहता हूँ, नहीं होगा, पर मैं दिखाना चाहता हूँ क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने कहा था पूरी रो करनी है, पर इसमें कुछ डेटा हुआ, और हुआ क्या है इसमें, अब दिखाता हूँ कि जब मैं इसको ड्रैग करता हूँ ना, ये क्या करता है, ये फार्मूला उठा के इस सेल पे चिपकाता है और ऐसे ड्रैग करता चलता है, हर एक सेल पे वो फार्मूला चलता है। तो यानी कि इस फार्मूला की हालत कुछ ऐसी होती है, जब मैं, जैसे मैंने इसको ऐसे ड्रैग किया और ऐसे, तो जहाँ जहाँ ट्रू है वहाँ वहाँ तो कर रहा है कलर। अब देखोगे कि यहाँ दो सेल तक ही ट्रू था, तो इसने दो ही सेल करी है। ठीक है, जहाँ एक है तो वहाँ एक। दिक्कत क्या है कि जब मैंने पहले में तो सही लिया था, यहाँ कर रहा हूँ तो ये रेंज छोड़ रहा है ना। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, इसको कॉलम लॉक करने पड़ेंगे इसके, यहाँ पे डी के आगे और आई के आगे लगा दिया डॉलर। तो अब जब मैं इसको ड्रैग करूँगा तो इसका रिजल्ट पूरी रो के लिए सेम रहेगा। ठीक है ना, तो ये फार्मूला मुझे जाके वहाँ चेंज कर देना है। ठीक है, अब इसमें मैंने लगाया था, कैसे जाऊँगा, मैनेज रूल में, ये रहा, यहाँ फार्मूला रिप्लेस कर दिया। ठीक है,
ओके अप्लाई हो गया काम। अब मान लो इसकी रेंज बढ़ानी है, इसकी टोटल कहाँ तक है डेटा 176 तक, ठीक है, तो मैं वहाँ पे जाके चेंज कर सकता हूँ मैनेज रूल में, ये 15 की जगह 176 कर दूँगा, अप्लाई कर दूँगा, ठीक है। अब मैंने एक चीज़ चेक करनी है कि यार 250 से जो बड़ी वैल्यू है उनको ग्रीन से करना है, करके देखते हैं। न्यू रूल में गया, यूज फॉर्मूला, फॉर्मूला पेस्ट किया, 250 लिख दिया और यहाँ कर दिया ग्रीन, पर ये तो सारे ग्रीन हो गए, हो क्या रहा है? इसकी प्रायोरिटी चलती है जो 250 से बड़ी है वैल्यू, ठीक है, जो 250 से बड़ी है वो जरूरी नहीं 300 से भी बड़ी हो, तो 250 से बड़ी तो 300 वाली भी होगी तो वो तो इसको कर देगा, ठीक है। तो इस केस में हम इसको ऊपर रख सकते हैं येलो वाले को, कि जो 300 से बड़ी है ये प्रायोरिटी लेता है कि पहले कौन सा रूल चल रहा है, हाँ, तो जहाँ 250 से बड़ी है वो जरूरी नहीं कि 300 से बड़ी हो, तो उसको लोएस्ट प्रायोरिटी में रखेंगे। तो पहले 300 वाली चेक की हमने, 300 वाली ऊपर कर दी, अप्लाई करूँगा तो अब पहले ये वाला रूल चलेगा फिर ये वाला चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी तरह की चीज़ों के लिए। आगे मैं आपको एक प्रोजेक्ट वगैरह बना के दिखाऊंगा इसके साथ, और आज की क्लास यहीं तक करते हैं, मेरी थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ है, नहीं तो मैं आगे कुछ कंटिन्यू करता, ठीक है। तो चलो आज की क्लास समाप्त होती है, ठीक। अरे